Hello students, now we are going to discuss about our next topic, empirical and molecular formula. ठीक है, तो पहले हम आते हैं इसके definition पर. Empirical formula is the formula of the compound which gives the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound. अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आ जाएगा. अगर एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2, ठीक है. तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द एम्पिरिकल फॉर्मूला वी हैव टू टेक आउट द कॉमन फैक्टर इन इट. व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन H2O2? कॉमन फैक्टर इन H2O2 इज इक्वल टू 2. 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है दोनों में. तो बताओ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा. इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर लिखते हैं, होल नंबर रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा? 1:1, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है. उसे हम आउट कर लिए, हमारे पास क्या बच गया? 1:1. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका कितना हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ H2O2 इज इक्वल टू HO. समझ में आया? मीन्स हमें क्या करना है कि इसमें से कॉमन फैक्टर को आउट कर देना है, उसके बाद जो बचता है दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. दैट क्लियर? अगर हम बात करें मोलेकुलर फॉर्मूला की, तो मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होता है? मोलेकुलर फॉर्मूला, इट इज द फॉर्मूला ऑफ a compound which gives the actual ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound. क्या होता है? It is the formula of a compound which gives the actual ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound. अगर हम बात करें कि मोलेकुलर फॉर्मूला, अगर एग्जांपल के थ्रू समझें तो मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2, ठीक है. ये है H2O2, क्या है? मोलेकुलर फॉर्मूला है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका कितना है? HO. समझ में आया? क्या हमने किया? यहाँ से कॉमन फैक्टर को आउट कर दिया, जो बच गया वो एम्पिरिकल फॉर्मूला. अगर कॉमन फैक्टर को इंक्लूड करते हैं तो वो क्या होता है? मोलेकुलर फॉर्मूला. अब इसे हम अगर फाइंड आउट करें तो वो क्या कहते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है कि मोलेकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला.
वेयर एन, वेयर एन इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। अब तो समझ में आ गया होगा, ये अगर फॉर्मूला आप पुटअप करते हो तो यहाँ से आप आसानी से एम्पिरिकल फार्मूला या फिर मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हो। मोलिकुलर फार्मूला दिया रहेगा एम्पिरिकल निकाल सकते हो, एम्पिरिकल फार्मूला दिया रहेगा मोलिकुलर निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे पास कोई एक कंपोजिशन दिया हुआ है, सपोज दैट फॉर अ लिटिल क्वेश्चन, एक हमारे पास क्वेश्चन है अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस वॉज फाउंड टू कंटेन कार्बन, इसमें कितना है 34.6%, हाइड्रोजन दिया है 3.85% और ऑक्सीजन दिया है ऑक्सीजन है 61.55%। अब कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट करना है, अब बताओ हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट होता है एलिमेंट, हमने लिख दिया एलिमेंट। सेकंड में आता है परसेंटेज, ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया परसेंटेज। इसके बाद आता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और इसके बाद आता है ग्राम एटम्स, और इसके बाद एक और टॉपिक होता है एटॉमिक रेशियो, और लास्ट टॉपिक हमारा होता है सिंपलेस्ट होल नंबर। ठीक, सिंपलेस्ट होल नंबर। अब देखो एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीन है। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है 34.6, ये कितना दिया है, हाइड्रोजन कितना दिया है 3.85, और ऑक्सीजन कितना दिया है 61.55। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स हम कैसे निकालेंगे, 34.6 को 12 से डिवाइड कर देंगे, मींस 34.6 डिवाइडेड बाय 12, व्हाट वी गेट हियर 2.88। अगर इसको डिवाइड करें 3.85 डिवाइडेड बाय 1, व्हाट वी गेट हियर 3.85। इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो इसे हम क्या करेंगे 61.55 डिवाइडेड बाय 16, व्हाट वी गेट हियर 3.85। अब कहता है एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो इसका कितना होगा, तो एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हम इसमें सबसे स्मॉलेस्ट देखते हैं कि कौन है 2.88, इससे डिवाइड करेंगे, 2.88 इज डिवाइडेड बाय 2.88, व्हाट वी गेट हियर 1, 3.85 इज डिवाइडेड बाय 2.88, वी गेट हियर 1.33, और इसे हम अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो ये कितना आ जाएगा, और 4/3 सेम एज 1.33 और 4/3। ठीक, सिंपलेस्ट होल नंबर कितना हो जाएगा 4/3।
अब इसमें हम मल्टीप्लाई करें अगर थ्री से तो सिंपलेस्ट होल नंबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा थ्री। इसमें थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री थ्री विल बी कैंसिल, वी गेट हियर फोर एंड ऑलवेज हियर फोर। और एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सी कार्बन कितना है यहाँ पर थ्री, एच हाइड्रोजन कितना है फोर, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है फोर। ये हो गया आंसर, इज दैट।